हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं तिरंगा पोशाक बनाऊंगी लड्डू गोपाल जी का। बहुत ही इजी तरीके से मैंने बनाया है। और यहाँ पे मैंने 3 नंबर के कान्हा जी लिए। ये ड्रेस हम 3, 4 और 5 को आसानी से पहना सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। गाइज, मैंने और भी बहुत सारे लड्डू गोपाल जी के ड्रेस के, ज्वेलरी के, एयरिंग्स के, कंगन के, नेकलेस के, तिलक के वीडियोस बनाए। आप देखना चाहते हो तो मेरी चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी, आप वहीं से भी देख सकते हैं। तो गाइज, कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ज़्यादा पसंद आए तो अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करना। तो यहाँ पे मैंने रिबिन और वाइट कॉटन का कपड़ा लिया है। हम बनाएंगे लड्डू गोपाल जी का ड्रेस बहुत ही इजी तरीके से। पूरे वीडियो में आपको स्टेप बाय बताऊंगी। यहाँ पे एक स्ट्रिप से ही मैं पूरा ड्रेस बनाऊंगी। तो इसकी लंबाई है 28.5 इंचेस, चौड़ाई 3.5 इंचेस है। कम ज़्यादा अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। तो देखिए, कुछ इस तरह से मैं रिबिन इनके ऊपर रखूंगी और यहाँ पे टिच कर लूँगी। देखिए, बहुत ही इजी तरीके से ये ड्रेस पूरा बन जाता है। इसमें ना ही दोरी की यूज़ किया है, नहीं नेफे का। ऐसे ही मैंने ड्रेस बनाया है, नहीं बुकरम, नहीं अस्तर, बिना अस्तर मैंने ये ड्रेस बनाया है। तो इस तरह से हम सिंगल फोल्ड करेंगे और इनके ऊपर हम टिच कर लेंगे। देखिए, मैंने सुई में जो धागा भरा है ना, वो ऑरेंज है और नीचे मैंने वाइट रखा है। अब मैंने धागा ग्रीन लिया है, तो इस तरह से हम ग्रीन रिबिन को भी टिच करके अटैच कर देंगे। गाइज, आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी माया टैलेंट है। देखिए गाइज, मैंने रिबिन अटैच कर दी है। अब दोनों किनारों पर इस तरह से डबल फोल्ड करके हमें टिच कर लेना है। देखिए, मैंने दोनों साइड टिच कर लिया है। अब हम यहाँ पे प्लेट्स लेंगे। देखिए, यहाँ पे हमें रिबिन को भी ध्यान में रखना है और प्लेट्स को भी। कुछ इस तरह से हमें धीरे धीरे रिबिन को सेट करते जाना है और प्लेट्स लेना है। प्लेट्स हमें लड्डू गोपाल जी के कमर के हिसाब से लेना है। सुई को हमें अंदर की तरफ रखना है और एक एक प्लेट्स नज़दीक नज़दीक रखना है। प्लेट्स के ऊपर प्लेट्स हमें नहीं रखना है। अगर प्लेट्स के ऊपर प्लेट्स हो गई तो हमारे घेरे की जो फिनिशिंग आती है वो नहीं आती है। तो कुछ इस तरह से हमें सेट करते जाना है और प्लेट्स लेते जाना है। नीचे की तरफ भी हमारा कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए, उसमें ध्यान में रखना है। और कमर के हिसाब से हमें प्लेट्स लेना है। तो ये हमने कमर के हिसाब से प्लेट्स ली है। तो इसकी कमर की लंबाई मैंने 4 इंचेस रखी है। तो देखिए, ये हमारा घेरा बन के रेडी है। अब हम बनाएंगे चोली। तो चोली हम घेरे के साथ ही अटैच करेंगे। तो इसकी लंबाई है 5.5 और चौड़ाई इसकी 2.5 इंच। यहाँ पे हम इसकी कैप बनाएंगे। तो इसकी भी मैं नाप आपको दिखा देती हूँ। 4.5 और 1.1 लिया है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे भी रिबिन को टिच करके अटैच करना है। बीच में मैंने क्यों लिया, बार बार हमें धागा बदलना नहीं पड़ेगा। तो मैंने ग्रीन धागा शुरू है। यहाँ पे मैं सारे पार्ट में ये ग्रीन रिबिन को टिच करके अटैच कर दूंगी, क्योंकि हमें बार बार धागा बदलना ना पड़े। तो देखिए गाइस, इस तरह से हमें बीच में कपड़ा रख के रिबिन को अटैच करना है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों पार्ट को अच्छी तरह से सेट कर लेंगे और एक्स्ट्रा हम काट लेंगे। अब हम दोनों पार्ट में जैसे हमने ग्रीन रिबिन डाली, वैसे ऑरेंज भी इस तरह से मोड़ कर हम टिच कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे ऑरेंज धागा लिया है।
सारे पार्ट में हम ऑरेंज रिबिन को अटैच कर देंगे। तो देखिए गाइज मैंने टिच कर लिया है, अब हम दोनों को जॉइंट करेंगे और यहाँ पे टिच कर लेंगे आधा। बहुत ही इजी तरीका है, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। तो ये मैंने 2 इंच तक टिच की है, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इस तरह से मोड़ कर अब हम सीवलेस बनाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमें राउंड शेप कर लेना है अच्छी तरह से गोल। तो ये हो गया हमारा राउंड शेप। यहाँ पे लंबाई मैंने 1.5 इंच रखी है और चौड़ाई मैंने 1/2 इंच रखी है और सीवलेस मैंने 1 इंच इस पर रखी है। अब हम यहाँ पे टिच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसको हम कैंची की मदद से काट लेंगे। अब ऐसे ही हम दूसरी साइड भी सीवलेस बना लेंगे इस तरह से नाप लेके। तो है ना इजी तरीका। तो देखिए गाइस ये हमारी चोली बनके रेडी है। अब हम इसको पलट लेंगे और हमारे घेरे के साथ इसको टिच करके अटैच कर देंगे। तो देखिए गाइस कुछ इस तरह से चोली को हमें ऊपर की तरफ उल्टा करके रखना है और यहाँ पे टिच कर लेना है। कमर के साथ हमें इसको अटैच करना है ताकि हमें नेफा या दोरी की ज़रूरत पड़ती नहीं है, पूरा ड्रेस कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। तो देखिए ये हमारा ड्रेस बनके रेडी है। आप चाहो तो पीछे वेलक्रो या प्रेस बटन का भी यूज़ कर सकते हैं। नाप तो मैंने पहले से बता दिया है। तो इसकी हम बनाएंगे कैप। तो जिस तरह से हमने ग्रीन रिबिन अटैच की है टिच करके, वैसे ही हमें यहाँ पे ऑरेंज को भी टिच करके अटैच कर देना है। अब हम सीधा भाग अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ पे एक टिच लगा देंगे। बहुत ही इजी तरीके से मैंने कैप्स बनाई है, कुछ भी दिक्कत नहीं होती है, आसानी से हो जाती है। तो देखिए मैंने टिच कर ली है, अब हम इसको पलट लेंगे। देखिए ये पलट गई। अब हम नाप ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 नंबर के कानाजी ली है, परफेक्ट नाप आ गया है। अब हम ऊपर की तरफ सुई और धागे की मदद से नॉट लगा देंगे पूरे राउंड में। अब हमें धागे को अच्छी तरह से खींच लेना है और यहाँ पे अच्छी तरह से नॉट्स लगाना है ताकि धागा और कपड़ा हमारा छूटे नहीं। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों में वीडियो को ज़रूर शेयर करना।